नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर वन क्रिकेट यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। तो गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में T20 मैच की सीरीज हुई थी, जिसको टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। उसके बाद टेस्ट मैच की भी सीरीज हुई थी, उसको भी टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। मगर उसके बाद जैसे ही साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट हुई इंडिया के खिलाफ, T20 सीरीज हुई पहले, तो पहला मैच तो रद्द रहा, जो कि धर्मशाला के मैदान पे होना था। उसके बाद एक मैच टीम इंडिया ने जीता और थर्ड वाला मैच टीम इंडिया हार गई। और अभी दो मैच जो दोस्तों टेस्ट मैच हैं, उसको टीम इंडिया ने जीत लिया है और थर्ड वाला मैच यहाँ पर 19 तारीख को होना है। वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन जीतेगा। मगर इसके बाद जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की, उसके बाद किस देश से सीरीज स्टार्ट होने वाली है, कितने तारीख से होगी, गैस मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में 3 नवंबर से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 3 T20 मैच खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो पूरी सीरीज में क्या क्या हाल रहने वाला है, पूरी खबर क्या है, कितने प्लेयर उतरने वाले हैं, किस किस प्लेयर को मौका मिलने वाला है, कौन कौन से प्लेयर को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है और इनका टाइम टेबल क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में, इस पूरी खबर में लास्ट तक। मगर दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या देख रहे हो। वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही होगी, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी खबरों से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बढ़ते हम आगे। गाइस, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में जो कि 3 T20 मैच की सीरीज होगी, सबसे पहले इनका टाइम टेबल शाम को 7 बजे से रह सकता है। या दोस्तों, आप शाम को 7 बजे से हॉटस्टार पे देख सकते हो अपने फ़ोन पे, या फिर स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल हैं उन पे अपने टीवी पर लाइव इनका मज़ा उठा सकते हो। गाइस, मैं आपको बता दूं, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में ये सीरीज है पूरी, 2 टेस्ट की सीरीज, 3 T20 की सीरीज। ये 3 नवंबर से स्टार्ट होगी, 26 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो पहला T20 मैच होने वाला है 3 नवंबर को, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जाके यार जरूर से देखना इस मैच को लाइव, और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आप में से कौन कौन इस मैच को देखने जाएगा लाइव स्टेडियम में। और गाइस, जो दूसरा T20 मैच होगा वो होगा 7 नवंबर को शाम को 7 बजे से सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में। तो आप में से कौन कौन देखने जाएगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद थर्ड वाला T20 मैच होने वाला है 10 नवंबर को विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में, नागपुर में। और दोस्तों, आप नागपुर से हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस मैच को देखेंगे नहीं देखेंगे इस चीज को ही बता देना। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं टेस्ट मैच की। तो गाइस, पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में चलने वाला है, होलकर स्टेडियम इंदौर में होने वाला है। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चलने वाला है, ईडन गार्डन कोलकाता के स्टेडियम में। अब दोस्तों, आप दोनों टेस्ट मैच में से कौन सा टेस्ट मैच देखने जाओगे यार स्टेडियम में, नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और गाइस, मैं आपको बता दूं, पहले तीनों T20 मैच की भारतीय टीम क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर ऋषभ पंत नहीं है इस टीम में, ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पर आएंगे, चौथे नंबर पर विराट कोहली, फिर ईशान किशन आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या नहीं है, हार्दिक पांड्या की पीठ में सर्जरी हुई है तो वो बाहर हैं, उनकी जगह पे कृणाल पांड्या को मौका दिया गया है। रविंद्र जडेजा खेलेंगे, वाशिंगटन सुंदर और बॉलर के तौर पे दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, इन सभी खिलाड़ियों को मौका मिला है, कुछ खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना क्या भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा पाएगी तीनों T20 मैच में, दोनों टेस्ट मैच में, या फिर दोस्तों नहीं, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।